सरकारी स्तर पर जो रोजगार के अवसर है वो बहुत सीमित हैं, और हमने इसके लिए लगातार जो प्रक्रिया है वह भी प्रारंभ की है। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक साल के अंदर 10 लाख लोगों को जो सरकारी नौकरियों से जोड़ने का अभियान प्रारंभ किया हुआ है, उसमें भी हम तेजी से राज्य के अंदर काम कर रहे हैं। लगातार हमारे कैलेंडर भी निकल रहे हैं, लगातार जो हमारा लोक सेवा आयोग है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, तेजी से कैलेंडर के अनुरूप काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो स्थान बहुत सीमित हैं। इसलिए रोजगार के साथ साथ लोग स्वरोजगार से भी जुड़े, इस क्षेत्र में भी काम करना अत्यंत आवश्यक था, और हमने स्वरोजगार के क्षेत्र में अवसरों को वृद्धि करने के लिए अनेक योजनाएं हमने संचालित की हैं। और औद्योगिक क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से आप सब लोग जुड़े हुए हैं, रोजगार वृद्धि के लिए हमारे मन में यह विचार आया कि जब तक उत्तराखंड में निवेश बड़ी मात्रा में नहीं आएगा, निवेश नहीं बढ़ेगा, तब तक रोजगार के अवसर भी नहीं बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, रोजगार ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के आधारभूत जो ढांचा है उसको विकसित करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं विस्तार देने के लिए औद्योगिक निवेश अत्यंत आवश्यक है। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तेबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।